इंडिया बनाम हांगकांग, इन दोनों टीमों की आप जो ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे या फिर फैंटेसी इलेवन जिस भी साइड पे बनाएंगे आप, उसमें आपकी कॉम्बिनेशन क्या रहनी चाहिए? 7-4 की, 5-6 की, 6-5 की, ये सारी बातें अगर आपको जाननी है, साथ ही में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी पिक्स कैसे होंगे आपके और पिच रिपोर्ट कैसी है, सारी डिटेल्स अगर जाननी है तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं फैंटेसी गली के इस चैनल पे। आप स्किप मत कीजिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। साथ ही में आपकी टीम कैसी दिखनी चाहिए वो भी हम बताएंगे आपको, तो प्लीज पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कमेंट शेयर तो आप करेंगे, साथ में नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की हम बात करते हैं, वीडियो का शुरुआत करते हुए इंडिया बनाम हांगकांग का। ये एशिया कप का चौथा मैच है, जी हाँ, 3 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं, ये चौथा मैच है। 31 अगस्त को शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा, 7:30 बजे जो है मैच स्टार्ट होने का टाइम है। आपके लिए क्रूशियल टाइम कौन सा है? आपके लिए क्रूशियल टाइम है 7 बजे का, जब टॉस होगा और टॉस के बाद स्क्वाड में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इंडिया में भी अपने बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहे, हांगकांग पहला मैच खेल रही तो अपनी बेस्ट स्क्वाड के साथ जाएगी, जो हम यहां पे प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, बट एग्जैक्ट होती है नहीं होती है उसमें क्या कुछ चेंजेस है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टॉस के बाद मिलेगी। और टॉस जैसे ही होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारे ऐप के थ्रू। अगर ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ऐप के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि भाई साहब स्क्वाड अपडेट आ गई है, प्लीज अपने स्क्वाड में चेंजेस कर लीजिए ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। इस वीडियो में क्या मिलेगा आपको? इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन मिलेंगे जो कि आपको चाहिए फैंटेसी टीम बनाने के लिए, सारे डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप प्लीज देखिए और एंजॉय कीजिए। साथ ही में हमारा वेबसाइट भी है www.fantasygali.com, उसको चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, उस पर आपको इसके अलावा और डिटेल्स मिलेंगी। यहाँ पे तो हम एक ही टीम डिस्कस कर पाएंगे, वहां पे 50-60 टीमें मिलेंगी आपको। साथ ही में आपको आर्टिकल्स, यहाँ पे एक आध मैच हम छोड़ भी देते हैं कभी कभी, तो आपको सारे मैचेस मिलेंगे वहां पे, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल, चाहे कैसा भी क्रिकेट मैच चल रहा हो, आपको उसका फैंटेसी टिप्स मिल जाएगा। तो प्लीज चेक आवर वेबसाइट www.fantasygali.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब टॉप फैंटेसी पिक्स कौन से हैं आपके लिए? टॉप फैंटेसी पिक्स यानी कि अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं, 15 टीमें 20 टीमें, तो आपके टॉप 4 टॉप 5 खिलाड़ी कौन से हैं जो अमूमन हर टीम का हिस्सा रह सकते हैं, आपको एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स कम से कम दिलवाई देंगे। वैसे 4 या 5 खिलाड़ी आपके लिए है, इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, हांगकांग की तरफ से एजाज खान और एहसान खान, ये दोनों काफी अच्छा कर रहे हैं फिलहाल और आपके लिए फैंटेसी पिक बन सकते हैं, टॉप फैंटेसी पिक्स बन सकते हैं। अब इस चारों नाम के अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो आपको चाहिए होंगे, मतलब प्लेइंग 11 बनानी है तो और 7 खिलाड़ी कम से कम चाहिए, आपको पिच रिपोर्ट चाहिए होगी, आपको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी पिक चाहिए होंगे, सब चाहिए ना, प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक कुमार केडिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम आज बात कर रहे हैं इंडिया बनाम हांगकांग की इस मैच की। अब इस मैच में खास बात क्या है? इस मैच में खास बात यह है कि आपको फैंटेसी के नजरिए से काफी इजी हो जाता है पिक करना, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी टीम की स्ट्रॉन्गर पॉइंट है, कौन सी टीम के वीकर पॉइंट क्या है, तो ये दोनों टीम में आपके लिए थोड़ा सा इजियर है फैंटेसी पॉइंट्स इकट्ठा करना और अच्छे रैंक करना, तो इसलिए इस लहजे से ये गेम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए सीधा डाइविंग करते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। तो पिच कंडीशंस कैसे हैं? वेन्यू वापस से वो दुबई स्टेडियम जहां पे पहले 2 मैच खेले गए थे और दोनों मैच इजिली चेज हो गए थे, तो चेजिंग ग्राउंड कह सकते हैं इसको आप, बैटिंग सेकेंड प्रेफरेबल ऑप्शन, हालांकि बैटिंग सेकेंड कह रहे हैं, बैटिंग रिकॉर्ड सब दिखा रहे हैं, ये सब चीज आपको हमने रिसर्च करके दे दी है, बट मेरे ख्याल से या फिर हम जो प्रैक्टिकली सोच सकते हैं उसके हिसाब से कोई इम्पैक्ट नहीं गिरेगा बैटिंग सेकंड बैटिंग फर्स्ट से, क्योंकि इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो भी इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा मानेंगे आप, और अगर हांगकांग पहले बैटिंग कर रही है तब तो इंडिया के चांसेस ज्यादा है ही जीतने के, तो ये जो डिवीजन है दोनों टीम की क्वालिटी के बीच में वो एक डिवीजन है, यहाँ पे सेपरेशन है, यहाँ पे वो आपको विजिबली दिखाई देगा, ऑन स्कोर शीट ऑन स्कोर कार्ड सब दिखाई देगा, तो इसलिए इम्पैक्ट किसके ऊपर ज्यादा गिरेगा वो डिपेंड करता है यहाँ पे, कि इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्गर टीम है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट कम गिरेगा टॉस का, हांगकांग के ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा गिरेगा टॉस का, तो वो आप ध्यान में थोड़ा रखिए। अगर हांगकांग सेकंड बैटिंग करती है
तो उसके आप 5-6 का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, वरना 4-7 का कॉम्बिनेशन इज गुड इनफ मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की, क्या प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो इंडिया की प्लेइंग 11 ऐसी फिलहाल दिखाई दे रही है, इसमें सिर्फ एक चेंज मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि हो सकता है कि पाकिस्तान स्पिन अच्छा खेलती थी तो मे बी इंडिया 4 पेसर्स कर गई। 4 पेसर्स कौन से? अर्शदीप, भुवी, हार्दिक पांड्या और आवेश खान, ये 4 पेसर्स के साथ गए। बट हांगकांग मेरे ख्याल से उतना अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से ना स्टैट्स के हिसाब से भी उतना अच्छा स्पिन को नहीं खेल पाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आवेश खान के जगह हो सकता है कि रविचंद्रन अश्विन जो है उनको जगह मिल जाए, मौका मिल जाए यहाँ पे खेलने के लिए, तो वो एक चेंज, टैक्टिकल चेंज हो सकता है। बाकी और कोई स्क्वाड में चेंज दिखने को शायद दिखाई ना दे, हालांकि मैं पर्सनली चाहता हूं कि एक चेंज हो, मे बी ऋषभ पंत आए के एल राहुल के जगह लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए, वो थोड़ा बेहतर सॉलिडिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। बाकी और कोई चेंज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं और चाहता भी नहीं हूं स्क्वाड में। तो फिलहाल जो प्लेइंग 11 दिखाई दे रही है वो है रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह। हो सकता है कि कोई भी चेंज ना हो, मतलब जो दो मैंने कहे उस दोनों चेंज ना हो, मतलब सेम ही स्क्वाड जाए, ये हाईली प्रोबेबल है। अब कुछ चेंजेस हुए तो आपको टॉस के बाद अपडेट कहां से मिलेगा? हमारे ऐप से। तो ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये आपकी इंडिया की प्लेइंग 11 होगी। अब इसमें से आपको कौन से प्लेयर को ड्रीम 11 में रखना है, कौन से प्लेयर को फैंटेसी 11 में रखना है, सब मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हांगकांग की प्लेइंग 11, हांगकांग की प्लेइंग 11 कैसी दिख रही है। तो ये हांगकांग की प्लेइंग 11 जो एशिया कप क्वालिफायर्स हुआ था उसमें यूएई के अगेंस्ट जो फाइनल हुआ था इनका, उस मुकाबले में जो इनकी 11 खेली थी वो ही मोस्ट प्रोबेबली खेलेगी इस मैच को भी। तो इस मैच को खेलने के लिए इनके पास जो 11 है फिलहाल के लिए, बेस्ट 11 इनका यही बनता है, यासीन मुर्तजा, निजाकत खान, बाबर हयात, किंचित शाह, एजाज खान, स्कॉट मैकेचनी, जीशान अली, हरुण अर्शद, एहसान खान, मोहम्मद गजनफर, आयुष शुक्ला, ये जो है इनकी प्लेइंग 11 यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। और यही 11 मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली 99% यही प्लेइंग 11 रहेगी स्क्वाड की, टीम जो प्लेइंग 11 खेलेगी इंडिया के अगेंस्ट। एक आध कुछ चेंजेस हुए जैसे मैंने कहा तो आपको अपडेट मिल जाएगा हमारे ऐप के थ्रू, प्लीज चेकआउट दैट एज वेल। फिलहाल इस टीम के कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको टीम में चाहिए होंगे ड्रीम 11 टीम में या फैंटेसी 11 टीम में, वो हम डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए आगे सीधा डेवलपिंग करेंगे उसी के तरफ। लेकिन जाने से, डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को अगर पसंद आ रहा आपको अभी तक तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। विकेट फैंटेसी 11 में स्कॉट मैकेचनी जो है यहाँ पे विकेट कीपर्स में है, क्यों आप पूछेंगे क्यों है, दिनेश कार्तिक क्यों नहीं है? तो देखिए मैं मान रहा हूं कि क्योंकि ये लो स्कोरिंग पिच है दुबई का, 140-145 जो है पाकिस्तान तक बना पाई थी, तो उतना उससे ज्यादा तो मैं हांगकांग से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर हांगकांग कभी भी बैटिंग करे तो वो 120-110 के आसपास से ज्यादा स्कोर शायद ना कर पाए। तो उस स्कोर पे दिनेश कार्तिक की बैटिंग आएगी या नहीं आएगी, ये सवाल आपके दिमाग में रहना चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि दिनेश कार्तिक नंबर 7 पे बैटिंग करने आते हैं वो, तो उनको बैटिंग करने का मौका शायद मिले ही ना। तो इसलिए दिनेश कार्तिक की जब बैटिंग करने मिलेगा ही तो पॉइंट कहां से आपको देंगे फैंटेसी पॉइंट्स? विकेट कीपिंग से मिल सकता है 10-20 पॉइंट, लेकिन ज्यादा पॉइंट्स मिलने के चांसेस नहीं है। तो हांगकांग के जो विकेट कीपर है स्कॉट मैकेचनी, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, हालांकि ये भी नंबर 5-6 पे आते बैटिंग करने के लिए, बट इनके चांसेस ज्यादा है बैटिंग करने के आने के लिए। तो ये जो बैटिंग से पॉइंट्स देंगे 20-30 पॉइंट जो भी दे रहे हैं, प्लस विकेट कीपिंग से 10-5 पॉइंट जो देंगे, तो बेहतर चांसेस है कि आपके फैंटेसी पॉइंट्स इनसे ज्यादा मिलने के चांसेस है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। हालांकि अगर मतलब दिनेश कार्तिक को अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि आप दिनेश कार्तिक को विकेट कीपर रखें, तो आप एक कंडीशन में रख सकते हैं, अगर इंडिया जो है पहले बैटिंग कर रही हो तो मे बी एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में, या फिर दिनेश कार्तिक को बैटिंग टाइम देने के चक्कर में इंडिया उनको प्रमोट कर दे ऊपर, तो वो एक कंडीशन है, वो एक क्राइटेरिया जहां पे दिनेश कार्तिक की बैटिंग आ सकती है। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तब आप दिनेश कार्तिक को ट्राई कर सकते हैं, अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करे तो फिर तो कोई चांस ही नहीं बनता उनका बैटिंग आने का, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, अगर उस कंडीशन में अगर आप दिनेश कार्तिक को ट्राई कर रहे हैं विकेट कीपर्स में, तो यहाँ पे आप बैटर्स में आप चाहें तो केएल राहुल को ड्रॉप करके वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं बाबर हयात, उनके जो दूसरे टॉप ऑर्डर बैटर है हांगकांग के, उनको आप ट्राई कर सकते हैं बाबर हयात को केएल राहुल के जगह, वो एक आप चेंज कर लीजिएगा अगर आप दिनेश कार्तिक को ट्राई कर रहे हैं। तो दिनेश कार्तिक को ट्राई करने के लिए केएल राहुल को ड्रॉप कीजिएगा और यहाँ पे बाबर हयात को ट्राई कर सकते हैं, तो ये आपके लिए प्रोबेबल चेंज है। अब बैटर्स में निजाकत खान, रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली बेसिकली ये रखिएगा, बाकी जो मैंने चेंज कहा आपको वो चेंज आप कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स में एजाज खान, हार्दिक पांड्या,
ये दो ऑलराउंडर्स आप ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में, हार्दिक पांड्या फॉर श्योर है आपके। अब एजाज खान को आप अगर चाहें तो उनके जगह किसी एक और उनके जो ओपनिंग बैटर हैं ये भी यासीन मुर्तजा, वो भी ऑलराउंडर्स में भी आते हैं, तो आप चाहें तो उनको भी ट्राई कर सकते हैं एजाज खान के जगह यासीन मुर्तजा को भी, वो एक आपके लिए प्रोबेबल चेंज है अगर आप चाहें तो। और यासीन मुर्तजा को तभी ट्राई कीजिए क्योंकि मैं दोनों ओपनर्स को ट्राई करूं हांगकांग के, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह इतने अच्छे लय में दिखाई दे रहे हैं कि आप एक आध विकेट जल्दी छक्का ही देंगे वो लोग, ऐसा मान रहा हूं मैं, तो इसलिए दोनों ओपनर्स को मैंने ट्राई नहीं किया। आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं लेकिन रिस्क ग्रैंड लीग में लीजिएगा, ग्रैंड लीग में अगर आप खेल रहे हैं तो मे भी आप एजाज खान के जगह यासीन मुर्तजा को ट्राई कर सकते हैं, बाकी हार्दिक पांड्या तो है ही आपके साथ में। और बॉलर्स में भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, एहसान खान और युजी चहल, ये आप चार बॉलर ट्राई कर सकते हैं, तीन इंडिया के, एक आप चाहें तो हांगकांग का बॉलर ट्राई कर सकते हैं। एंड इसमें भी एहसान खान के जगह आप चाहें तो आयुष शुक्ला को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हांगकांग पहले बॉलिंग कर रही हो तो, क्योंकि पहले बॉलिंग करते वक्त पिच में थोड़ा सा स्विंग और सीम मूवमेंट देखने को मिलता है, तो आयुष शुक्ला जो उनके फास्ट बॉलर है, ये आयुष शुक्ला जो उनके राइट आर्म फास्ट बॉलर है, इनको आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ एहसान खान जो कि ऑफ ब्रेक बॉलर है, हालांकि बहुत अच्छे फॉर्म में, बहुत अच्छे लय में एहसान खान, लेकिन कंडीशंस को देखते हुए अगर आप चाहें, अगर हांगकांग पहले बॉलिंग कर रही है तो मे बी आप एहसान खान के जगह आयुष शुक्ला को ट्राई कर सकते हैं, वो आपके लिए दूसरा प्रोबेबल चेंज है। तो इतना ही, यही चेंजेस थे फिलहाल स्क्वाड में और इसके हिसाब से आप टीम बनाइएगा। होपफुली आपने ध्यान से सुना हो, अगर नहीं सुना तो वापस से मैं रिपीट करता हूं कि आपकी टीम जो प्रोबेबल 11 बेसिकली दिखनी चाहिए, जो बेसिक दिखनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, स्कॉट मैकेचनी, नजाकत खान, रोहित शर्मा, के एल राहुल, विराट कोहली, एजाज खान, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, एहसान खान, युजी चहल, ये बेसिकली होनी चाहिए। लेकिन अब क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं, आप चाहें तो आपने दिनेश कार्तिक को ट्राई कर सकते हैं, अगर आपने दिनेश कार्तिक को ट्राई किया तो आप के एल राहुल के जगह बाबर हयात को ट्राई कर सकते हैं, वो आपके लिए पहला प्रोबेबल चेंज है। दूसरा प्रोबेबल चेंज है ऑलराउंडर्स में एजाज खान के जगह यासिर, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, यासिर मुर्तजा को ट्राई कर सकते हैं ऑलराउंडर्स में एजाज खान के जगह, ये दूसरा चेंज है। तीसरा चेंज आपके लिए है एहसान खान के जगह आप चाहें तो आयुष शुक्ला को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो तभी ट्राई करें जब हांगकांग पहले बॉलिंग कर रही हो, तो हांगकांग सेकंड बॉलिंग कर रही हो तो एहसान को ही आप ट्राई करें, एहसान खान को ही ट्राई करें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये होपफुली आपको स्क्वाड पसंद आई होगी और हमारे स्ट्रैटेजीज, हमारे सजेशंस पसंद आए होंगे बेस्ड ऑन द पिच कंडीशंस, बेस्ड ऑन द फॉर्म, बेस्ड ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम। तो वो सारे चीज को ध्यान में रखते हुए आप इस टीम को ट्राई कीजिए और आप थोड़ा एकाध एक्सपेरिमेंट खुद की गट फीलिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं कहते हैं कि हैशटैग अकल ऑन करो, तो आप अपनी भी स्ट्रैटेजी लगाइए और अपने हिसाब से एकाध कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर लीजिए, मतलब चेंज कर लीजिए। बाकी अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। आप हेड टू हेड या स्मॉल लीग में ज्यादा टीमें लगाइए, ग्रैंड लीग में कम टीमें खेलिए, क्योंकि आप ग्रैंड लीग का कैलकुलेशन देखें तो आपके जीतने के चांसेस कितने होते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी आपके 0.0001% और ग्रैंड और स्मॉल लीग और हेड टू हेड में जीतने के परसेंटेज कितने, 50-70%। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो दोनों में काफी डिफरेंस है, आपको हेड टू हेड स्मॉल लीग में जीतने के चांसेस बहुत हाई है, ग्रैंड लीग में बहुत लो है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड, ऐसे आप कह सकते हैं। बट यहाँ पे हेड टू हेड स्मॉल लीग में आपकी बैलेंस शीट जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, तो इसलिए आप फैंटेसी गेमिंग खेल रहे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी से खेलेंगे, कभी पैसे हारेंगे नहीं, तो स्ट्रैटेजी हमारी यही रहनी चाहिए। और वैसे अगर आपको कुछ और स्ट्रैटेजी है आपकी तो आप ट्राई कर सकते हैं, सब कहते हैं कि प्ले द कॉन्टेस्ट दैट सूट्स यू द मोस्ट, जो आपके थॉट प्रोसेस आपकी स्ट्रैटेजी से मैच करता हो और आपका जितना बजट है, जितनी रिस्क एपेटाइट है, उसके अकॉर्डिंग आप खेलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी की, जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप बहुत देर से रुके हुए हैं कि कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा। चलिए उसकी बात कर लेते हैं फटाफट, ट्वेल्व विन करते हैं उसके तरफ। हेड टू हेड स्मॉल लीग के लिए चार ऑप्शन है, हार्दिक, रोहित, तो आपके दो ऑप्शन हो गए कैप्टन वाइस कैप्टन के, और दूसरे एहसान खान, निजाकत, आपके दूसरे दो ऑप्शन हो गए अलग से, आप इन चारों को ट्राई कर सकते हैं हेड टू हेड स्मॉल लीग के लिए कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के ऑप्शन में। वापस रिपीट करता हूं, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, एहसान खान और निजाकत, आपके ये चार ऑप्शंस हैं हेड टू हेड स्मॉल लीग के लिए। अब फटाफट आप आ जाए ग्रैंड लीग की तरफ, ग्रैंड लीग में चार ऑप्शन पे कौन कौन से, के एल राहुल, अर्शदीप सिंह, एजाज खान और विराट कोहली, ये आपके चार ऑप्शन है ग्रैंड लीग के लिए, आप इन चारों को ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग के टीम में, तो आप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के रोल में, तो होपफुली आपको काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे, काफी अच्छे आपकी रैंकिंग्स आएंगी।
अब इस वीडियो में फिलहाल इतना, लेकिन जाने से पहले वापस से रिपीट करूंगा आपके लिए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन जाने से पहले वापस से रिपीट करूंगा, आप प्लीज www.fantasygully.com को चेकआउट करना मत भूलिए। हमारी वेबसाइट पे बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको, सिर्फ एक आध टीमें नहीं, वहां पे 70-80 टीमें मिलेंगी, तो प्लीज चेक दैट आउट। साथ ही में हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए, और ये हमारा ऐप है, ऐप को भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। आपको सब कुछ जो है फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, आपको यूजर फ्रेंडलीनेस बहुत हो जाएगा, साथ ही में नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे ताकि आपका नुकसान कम से कम हो। इसलिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए। दोनों के लिंक, वेबसाइट का भी और ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज चेक दैट आउट। और जाने से पहले वापस से कहूंगा कि प्लीज वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वो लाइक बटन प्लीज ठोक दीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन जो है प्लीज 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 प्रेस कर दीजिए, साथ में शेयर कमेंट तो आप करेंगे, नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं रौनक कुमार केडिया अलविदा कहता हूं, टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट।